आप जानते हैं कि गैस्ट्रोपरेसिस एक खतरनाक कंडीशन है जिसमें डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, यानी खाने की मूवमेंट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक रुक जाती है। इसे स्टमक पैरालिसिस भी कहते हैं और ये पेशेंट और डॉक्टर्स दोनों को ही परेशान छोड़ देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी कॉमन कंडीशन नहीं है। डॉक्टर अरविंद बादीगर का कहना है कि ये बीमारी ना ही सिर्फ पेट की मसल की मूवमेंट को रोकती है लेकिन नौजिया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग जैसे भी लक्षण दिखाती है। ये कंडीशन डायबिटीज, पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन और मेडिसिन की वजह से ट्रिगर हो सकती है। जान लेते हैं कि गैस्ट्रोपरेसिस के लक्षण क्या है। अपर एब्डोमिन में पेन होना, भूख ना लगना, हमेशा पेट भरा हुआ महसूस होना, कमजोरी या मैलन्यूट्रिशन या वेट लॉस होना। आपको बता दें कि भारत में गैस्ट्रोपरेसिस ट्रीट करना मुश्किल है काफी ज्यादा, क्योंकि मेडिकेशन, डाइटरी हैबिट्स और हेल्थ केयर सपोर्ट नहीं करता। इसका ट्रीटमेंट ये है कि व्यक्ति छोटी छोटी मील्स ले जिसमें हाई फैट और हाई फाइबर ना हो, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है। और इंडिया की जो ट्रेडिशनल डाइट है वो फाइबर, स्पाइस और फैट में बहुत ही ज्यादा रिच है। प्रोकाइनेटिक्स और एनिमेटिक्स जैसी दवाइयों से सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं, लेकिन इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।